एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट दुबई से भारत लाए गए क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ के आधार पर तैयार की गई है। क्रिश्चियन मिशेल ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील करवाने वाला बिचौलिया था और उस पर यह सौदा करवाने के लिए भारत में कई अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने का आरोप है। इस चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दावा किया गया है कि इस घोटाले में सेना के अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया और सत्ताधारी पक्ष के महत्वपूर्ण लोगों को रिश्वत दी गई थी। इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अनुसार ऑगस्टा वेस्टलैंड केस पर पूरा खुलासा करते हुए दलाल क्रिश्चियन मिशेल ने माना है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और फैम का मतलब है फैमिली। क्रिश्चियन मिशेल ने मिसेस गांधी का नाम लिया और ये माना कि वो मिसेस गांधी को साल 1986-87 से जानता है।